तो तीस ये सावली है पाठ भी बबूता से तो नखत बना रही धरती ऊपर सिद्धि पुरुष देवता पर बिटिया है दावत का देवता कौन है नखत बना आ हगनी पांड की नाडी है ए प्रकट ने बाद में मेला लग लग अर्चन द्वारा लग लग आने जन बैठी है तो दौड़ा दिन ना लोग डरता 18 फेटो ओड़ो बड़ा हाओ हलको होतो नी किशखन ध्यान कर जाया था पे इकट्ठे ही भले धोख लगाया था लेकिन अठ जफत में आवड़ो बड़े नेड़ो को नहीं आओ तो जिक्र देखो आज अक्षम द्वारा लग गया मेरा परिजन लग गया कि करामात थोड़ी है बबूता शिदा देरी और नखत बनारी शरना करामात है जठे आज अर्चन द्वारा लागू है दुनिया दूर दूर आवे है मेले में महीने रवाने चार पांच जागरण लागे है एक लाख में मुश्किल हो गया लॉकडाउन लागू है अठ लागियो नहीं तो इतने हरू होड़ो है वैरती मैं आया बस रुकता रुकता तार की बढ़ाया जा कनारे कनारे वो जागरण आगलो नहीं आ देला बाकी फिर भी अठ दादे की कृपा रही है देख लो मैं क्यों जीवता रहे तो फिर मिला ला और नहीं जना वापस देखी लागे तो दादे की कृपा वे चाको रखे साइया तो मार सके ना कोई बाल ना बंका कर सके चाहे सब जुग बेरी हो जिकन भगवान बचावे बान मार ना लो कोनी आर जिकन भगवान मार दे नहीं बाने तार नाल कौन तो बीमारी को तकड़ी तकड़ी आवड़ी भगवान की कृपा है अपर देवी देवता की कृपा है अपने संतों ऋषियों का पर राजस्थान की धरती है सूरवीर होया दानवीर होया दाता होया ऋषि होया मुनि होया संत होया देवी और देवता होया थे मोटा मोटा भोमिया भोपाल होया थे कोई कम चीज थोड़ी है अपतन भी ओ नीच खड़ी है कोई ना कोई कुदरत है जन खड़ी हे भगवान तेरी माया कर पास किसने पाया धरती और आकाश बीच में खंभा नया दर्शाया तो भगवान की कुदरत है अपा कने कोनी की कई के मैं कर ला मैं को जी ने गिरे भले कर लो का कोई आफत भले कर लो मैं करे नहीं का की कोन करे नहीं तो वो भगवान करे हरि करे सो खरी नर चिति धरी रे हर चिति तत्काल बलि चाव तो सुरग ने प्रभु भेज दियो पताल उपनो धुरगारो लेवड़ो बाकी भगवान इस समय आ गई पता लोग में जाओ तो पाचल भरी वो होठ हेठ आ गई पेंडो कड़ो काटियो तो इर वास्ते बहुत सीधा देरी छावनी है सगले तन मन हुनिया पाठ की छावनी जय हो भक्त देव के की हमें आवे नैनवा जियो वाह भाई तारती थोड़ सो ओ करो थोड़ थोड़ सी आवाज दो मार खाने बाकी तो सब ठीक है तो बहुता सिद्धा दो नकद बना बहुता सिद्धा दो नकद बना रहा पढ़ पोता है जिका नकद बना चौथी पीढ़ी माने पढ़ पोता प्रकटिया है बहुता सिद्ध सिद्धि कुछ देवता है सुनो और नकद बना रहा दादो सा बजिया करता चौथी पीढ़ी माने जाओ तो नकद बना अवतार लेनो है दादे और पोते की जोड़ी है बहुता सिद्ध ने और नकद बनाना एक ही वरदान निर्जन बाबे रोसे शंकर भगवान को कह दिया चाहे निर्जन बाबू कह दिया चाहे रमता जोगी कह दिया बाकी माया भी दो के दी है भलो माया सब माँ देव दी शंकर भगवान की लीला है शंकर भगवान ने पूर्ण प्रताप मां सब रचना हो रही है एक इष्ट आप रहा है कहीं फर्क क्यों पड़ी चुनाव चित बैठ के आ गया बात बोल पांच बदन पाठ रहा होई नहीं पचन माय कुछाई सहगला ने एक रात क्या के बैठ चार करे ना सहेब ने की को है खाली मुंडो पिंचुड़ और बैठ रहे उतारी और जन कोई पंजाब वाली अमृतसर वाली मील फैल होगी अपर तन दादे जागरण है उन्हें जिकरो रंग लागे नहीं हुए नहीं जिकरो भगवान देखे जय बोले जिकर आदि लागे बोलो पाड़ी नाडी ता जय जयकार हो लागे भला भगवान की माया है सब कुदरत परमात्मा ही है भक्तों और जठे भगवान पल में रचते फूस की चपड़ी पल में मैल बनाया पल में रचते गढ़ किला सुंदर तेरी अनोखी माया जठे दौड़े तिंद्रा लोग डरता जिको लोग आज जावे प्रसाद भर मिले अठे लेकिन दादे की कृपा है बनारी की कृपा है और मोहन जी तो आप घोड़ा आदमी है दो अगरबत्ती करते धुनेरी श्याम रे
घंटी बजा दे दादे की हाजिरी लगा दे। बाकी घोड़ा और भगवान होशियार और कठी को भगवान घोड़ा मिलिया मिलिया प्रहलाद जी महाराज घोड़ा होता बचपन रमाने धूर जी महाराज घोड़ा होता भगवान मिलिया मेरा भाई घोड़ा होता राज घराना मायने रवन नाला होता लेकिन भगवान मिलिया। राजा रिपत रानिया रूपा तारा और मीरा नाम जाल निर्भय भई ऐसा राम की है प्यारा भजन सरीसा सुख है नहीं सही करके देख लो बिचारा भजन कई उड़ा नर फिर के यार पापी डूबा मंज धारा पापी डूबते डूबता गया और जगह परमात्मा की भक्ति के लिए तिरता ही तिरता गया है क्योंकि यहाँ पर भजन में हाथी थोड़ी थोड़ी अर्थ होनी हो वो करे नहीं जन बूढ़ा बड़े राज बोलो शनो आदमी हुए नहीं जिक्र समझ में आप वो करता थी आर तू चाल हूँ आयो जो होना लो कितो होने दांत दांत बीचे क्योंकि भजन बठी हुए जैसे राम भजन हरि रे जरो के बैठ कर सब का मुद्रा ले तो जैसी जिनकी चाचरी प्रभु वैसो ही फल दे तो जड़ भावना हुए जड़ भगवान फल दे दे बाकी अपर भावना भगवान की कृपा है अपर गुरु महाराज की कृपा है परमात्मा की कृपा है तो लोग भक्त तो याद करे और दादे गुणगान करे और कहे दिन दूना दिन दामन रे दिन दिन कलिया नानी पार दिन हे नाम नपते सरोषित भक्त रो प्रतिपाल तारा दीप्त में चंद्रमा दली दोरो भी चमेता नखते सरो तनी मारो पूर्ण करे लोका तो बाबू तस्सी दादो अग्नि वंश रे मायने उत्पत्ति है आरी सोले क्या की अग्नि रो वंश है कुल देवी खिमल मात है आर सूरज रो देव है दावजड़ देवता कोने सूरज लोग नव नाथ और चौरासी सिद्धार मायने नव नाथ जलंधर नाथ मच्छंदर नाथ गोरखनाथ लाधुनाथ नाथारी पदवी मायने नव नाथ और चौरासी सिद्धार मायने बहुत सिद्धि महाराज सिरे देवता हो जाओ और सिद्धि पुरुष देवता सिद्धि बाने क्या करे सिद्धि बाने आगे लागे जितना बचन सिद्धि उड़ावे बचन हूँ बहुता सिद्ध प्रगटुड़ा है बबू तीर माने बचन होता बचन हूँ बहुता सिद्ध प्रगटिया और आज बहुता सिद्ध आदे नाव ऋषभ नाव या बबूती बटे भक्त तना आत्मा लेवे तो सोलह की परिवार माने उज्जवल हो गयो तो अपर ही भगवान जरूर करेगा तो कहवे अरे रतन कुंडी में सिद्धि रूप नर सिद्धि उपन्यारे अरे सीधे जाऊं तेरे सोलंकी यारी I'm
भीख जी ना उरा लाई नखत बना रहा बजना रहा लेखक छावना रहा लेखक लूनो गांव है उदट कने कोलाई तहसील जमाई में आर लूने गांव रा देव जी संता बड़ी अच्छी बात देखी अगर दिन है सोलंग की सिंध राव ने प्यारे जन्म जन्म बाबू साहब जी करे जन्म जन्म रा माई ने कहोड़ा बसन उतार के पीड़ी पीड़ी रुमाई ने शिवजी अवतार हो आदन कुंडी में उपन्या सिद्ध सात सोलंग प्यारी खास गांव गेराने बाबू आव यार आज तो सुनेरी दाम गेराने के अकेले गिरा चर में चालीस से सात्र मायने गिरा चला दोनों चेतन होयो भी प्रेम में माने भीख जी ना उन दूने गांव रा संत आज भी मौजूद है जिकन भी दूने र माने एटोमेटिक सात्र मिली सरना बदली शरा परफिक्सू रुपांडी पलडार बोरुड़ा बात सादर आज भी मौजूद है या बैठे बगवी गादी ओ बैठो ओ बगवी गादी तो आसन है नखन बना की सेवा करे नहीं आशीतारी गादी है बगवे आसन लो है बगवे गादी ओ बैठनो और भगवा तंबू लगा जित काम नहीं लागा करे नहीं जित दुख नहीं मिटे नहीं जित कणी राके तंबू लगा बैठ के ये हमारी लाज बोली बगवी चादर की लाज है बिल जरूर आठे मरुड़ी लाश है जितनी दस्ती करेला भगवी गादी लो बैठ और भगवा तंबू लगाए माता कुलदेवी ने मान जो थारी राखे पूरी आप कुलदेवी ने याद रखिया दादे रोई कहनो है बना रोई कहनो है देवी देवता रोई कहनो है कि आप कुली देवी ने आप लो इष्ट ने इष्ट आदमी लो पक्को या कह रहे कह रही रामदेव जी महाराज रो कह रही बालाजी महाराज रो और कह रही गुरु जम्बेश्वर भगवान रो गुरु कृष्णा जी महाराज रो आप लो इष्ट हो या करे आदमी रो आदमी इष्ट पक्को तो आदमी पक्को इष्ट आदमी नीम होया करे मकान में नीम मजबूत तो वही नहीं ऊपर चार महीने निकाल ले कोई पोस्ट होवे नीचे नीम कमजोर होवे ऊपर सिंगल पच्चे ठहर नहीं मुश्किल होवे बोलो हां जद के भगवी गादी लो बैठन और भगवा तंबू लगाए माता शिवल ने मान जो दादा राक्षस ने कुड़ली लाज दिन है सोलंग की सिद्ध राव ने जाने जन्म जन्म बाबो साथ घर में आता रो मानियो सूरज नदी रो नाम नो सूरज रो देव है दावत जान देव तो कोनी है हाँ सूरज नदी रो नाम नो और थोड़े थोड़े अश्वार घर म्यातल सिंह रो मानियो बाबू म्यातल बाबे रो दास दास माने नहीं जिकने भगवान और देव देवता मिले छोटा पने सो हरि पावे छोटो पने जिकने हरि पावे तो म्यातल सिंह ने लेकिन बाबू मुझे भी इतने मरमान याद रखने की बाबे ने फरियाद करी और क्यों बाबा है ही मैं कर सको कहीं के बैठे को सर
आत्मन बबूती हो सान हो दादा चारों किस में भयो है उजियार अब भी चांद में रमाई नखत्वनारी मेर हुए थे वे अरे जय हो नाडिया कड़ी बाकी पांडरी नाडी अब नेट नाडी एक ही है भला नाडी तो हकली कुंभा नाडी नाडिया कड़ी है खेमार नाडी काले नाडी दूसरे नंबर पांडरी नाडी ऐडी वेरी काली नाडी होती है लेकिन बहुत अच्छे फर्क क्या नहीं जाना जा संदवारा लागू लाग गया इन्हें उन्हीं ऐसी ये चांद ने आई उपासित नखते से सेवा सितारी शाम लिखाने गावे बिको लूणा लो तो भीख जी संता इसी प्रकार कीर्ति करिए नखत बनारी क्या के बबूता सितरो और नखत बनारो गुरुदेव सीताराम जी पंचारी आई बात कहता कि जितने अगर घर हूं और जितने पग उछावनी नहीं गाई नहीं जितने दादो और नखत बना तो राजी हुए को नहीं और थे भले ही राजी हो जाए जितने पूरी छावनी नहीं गावेला और जितने धनी ने आत्मा वेलो नहीं करेला जितने तय नहीं आवेला तो नखत बनारा पाठ में तीन भजन हो जाए आर चौथा भजन है हंसलो आलो मारी।